नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यम्मी एक ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। तो रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 2 अंडे और चाहिए हमें 1 कप मैदा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। अंडे में हम पहले मिलाएंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, अच्छे से इसे हम फेंट लेंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अच्छे से अंडे को हमने फेंट लिया है। अब हम 1 कप पानी लेंगे। जिस कप से हमने मैदा नापा था उसी कप से 1 कप पानी अच्छे से एक बार और मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा इसमें ऐड करके इसे गुठली हट जाने तक हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पहले हम 1/2 ऐड करेंगे। पूरा मैदा हम डाल देंगे। आप इस रेसिपी को आटे से भी बना सकते हैं। गुठलियाँ हट जाने तक हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच पत्ता गोभी, बहुत ही छोटे छोटे चॉप करके। और यहाँ पे हमने 3 चम्मच गाजर लिया है। गाजर को हमने छील के कद्दूकस कर लिया है। तो डाल देंगे। दो हरी मिर्च चॉप करके डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और हमारा बैटर ऐसे बन के तैयार हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। एक हम पैन ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल। अच्छे से हम चारों ओर इसे फैला लेंगे। 1 चम्मच की मदद से हम बैटर को उठाएंगे। थोड़ा सा बड़े चम्मच लेंगे और बैटर हम पैन में डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम इसे होने देंगे 2 मिनट। नीचे की तरफ जब अच्छे से हमारा सेक जाए तब हम इसे पलट देंगे। 2 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे। नीचे की ओर अच्छे से हमारा सीख गया है तो दूसरी तरफ भी हम 1-1.5 मिनट वेट करते हैं अच्छे से सीख जाने का। 1-1.5 मिनट बाद एक बार चेक कर लेंगे नीचे की ओर। नीचे की ओर हमारा अच्छे से सीख गया है तो इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी पराठे भी बना के तैयार कर लेंगे। बस चम्मच से हमें बैटर उठाना है। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम इसे होने देंगे 2 मिनट। दो मिनट बाद पलट देंगे और हमने तेल पहली बार ही लगाया था, दूसरी बार हमने ऑयल नहीं लगाया। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तभी आप ऑयल अप्लाई करें। देखिए, तो इसी तरीके से बाकी पराठे भी रेडी कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनके तैयार है। मैंने इसे रोल करके सर्व किया है और इसमें एक अच्छी बात है कि इसे खाने के लिए कोई भी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आप वैसे ही खा सकते हैं, चाय के साथ भी ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये जल्दी से बनने वाले ब्रेकफास्ट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगी।
तो आज की रेसिपी बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।